और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. Those who are new, my name is Sonam Rajput and I make videos on makeup, travel, fashion, beauty, lifestyle and much more. और मेरा ये डरावना सा ये बहुत क्लासिक सा लुक देख के आपको लग रहा होगा ना कि ये क्या किया मैंने, बट आई एम जस्ट शूटिंग माई रील और मैंने सोचा कि इतना क्रिएटिविटी वाला लुक कर रही हूँ, सो वाई नॉट टू शेयर इट विद यू गाइज. सो या दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस लुक राइट ओवर हियर विद मी. वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, इतने सारे एफर्ट्स लगे, उसको 2 घंटे लगे मुझे सब कुछ लगाने में. वीडियो अच्छी लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऐसी मोर वीडियोज देखने के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू वोंट मिस एनी ऑफ द अपडेट ऑफ माई न्यू वीडियो इन द फ्यूचर. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो आई हैव डन द वन साइड ऑफ माई मेकअप ऑलरेडी और मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है आजकल, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट. तो यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट लिया है एंड उसमें से लाइटेस्ट ब्राउन कलर लेके अपनी जो क्रीज लाइन है उस पर डिपॉजिट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश और उसको अच्छे से डिफ्यूज़ करूँगी ताकि एक बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड सा और नेचुरल सा लुक आए. यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सटल सा आई मेकअप रख रही हूँ क्योंकि हमारा पूरा लुक काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होने वाला है और उसके बाद एक थोड़ा सा डार्केस्ट ब्राउन कलर लेके उसको अपनी क्रीज को और डिफाइन करूँगी फर्दर और इसको मैं छोटे वाले ब्लेंडिंग ब्रश से करूँ ताकि जो हमारा पिछले वाला हमारा ब्राउन शेड था वो भी अच्छे से दिखे और काफ़ी ब्लेंडेड और सीमलेस सा फिनिश आए. नाउ ब्लेंडिंग इज़ द की, तो इसलिए मैंने जो पुराने वाला फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश था उससे मैंने दोबारा वही पुराने वाला ब्राउन शेड लिया और अच्छे से दोबारा से ब्लेंड किया. मैं हर एक शेड को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि बहुत ही ज़्यादा सटल और बहुत ही प्यारा सा लुक आए. एज यू कैन सी ऑन माई अदर आई, मुझे ये पर्सनली लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, बहुत ही प्यारा सा है, मतलब किसी भी आउटफिट के साथ डाल सकते हैं. और यहाँ पे मैंने ना वाइट शेड लिया है, जो नियॉन पिगमेंट्स थे उसमें से एक वाइट शेड था जो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड था इसलिए मैंने उसको लिया है. यू कैन ऑल्सो यूज़ अ कॉम्पैक्ट पाउडर एंड हमें सिर्फ हाफ कट क्रीज की तरह लगाना है, कोई कंसीलर से कट क्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही बिल्कुल छोटे वाले ब्रश से कट क्रीज के जैसे शेप देंगे. एंड आई एम जस्ट एंडिंग माई लुक हेयर विद दी आई लाइनर, उसको शार्प विंग आई लाइनर लगा रही हूँ फॉक्सी वाला इनर कॉर्नर्स पे भी, जो मेरी छोटी आईज हैं वो बड़ी लगे और सारा जो फोकस है वो मेरी आईज पे जाए और काफ़ी ज़्यादा यू कैन सी बहुत ज़्यादा शार्प सी आई लाइनर लगाया और काफ़ी मेरी आईज बड़ी भी लग रही है. एंड आई एम जस्ट एंडिंग द लुक विद हेयर विद दी हेल्प ऑफ अ मस्कारा और इसके बाद लैशेज लगाऊंगी लास्ट में. अपनी आईज़ को और इन्हांस करने के लिए मैंने हाइलाइटर लगाया ऑन द इनर कॉर्नर्स ऑफ माई आईज एंड ऑन द ब्राउ बोन्स एंड यू कैन सी बहुत ज़्यादा सुंदर और ग्लोई सा मेरा मेकअप लग रहा है ऐसे ही. एंड आई एम जस्ट लाइनिंग माई लिप्स विद द हेल्प ऑफ अ ब्राउन लिप लाइनर और उसके बाद हम लगाएंगे ब्लड रेड कलर की लिपस्टिक. Now I am using this My Glam lipstick. I will mention all the product links in the description box, so do check this out. And you can see बहुत ज़्यादा bright red color है ये और ये perfect था इस look के लिए वैसे भी. And here is the final look. आप इस look को भी individually कहीं पर भी carry कर सकते हैं. And now the creative parts starts from here. यहाँ पर मैंने एक water based जो मेरे liners थे उसमें, बट मेरे पास ना ब्लड रेड कलर का कलर नहीं था एग्जैक्ट, ये टोमेटो रेड काइंड ऑफ अ कलर था तो मैंने उसी से काम चला लिया फिलहाल कि आउटलाइन मैंने उसी से निकाला है ताकि एक बॉर्डर सा मुझे मिल जाए कि मुझे कहाँ कहाँ वर्क करना है और उसी से मैं हल्का हल्का फिल भी कर लूँगी विद हेल्प ऑफ आई लाइनर ब्रश. और मैं एक इफ़ेक्ट ऐसा लाने वाली थी जैसे कि मेरे फोरहेड से होते हुए ड्रॉप्स की तरह ब्लड बह रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ना ही मुझे कहीं पे भी फेक ब्लड मिला और ना ही मुझे राइनस्टोन्स मिले क्योंकि मुझे राइनस्टोन से करना था ये लुक, बट समहाउ आई मैनेज इट क्योंकि मेरे पास एक तो वाटर लाइनर भी जो मेरे पास था वो टोमेटो रेड कलर का था, वो प्रॉपर रेड कलर का नहीं था, बट मैंने सोचा कि चलो इससे आउटलाइन कर लेती हूँ और उसके बाद इसको फर्दर डिफाइन कर देंगे कोई भी आई शेडो के थ्रू.
तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक आउटलाइन निकाल रही हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे ब्लड के वो ड्रॉप्स, और ताकि वो ऐसे बहता हुआ नज़र आए. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कलर लाइट था, वो ब्लड जैसा नहीं लग रहा था, तो मैंने एक डार्क रेड कलर का आई शेडो लिया और उसको अपने जहाँ पे मैंने लाइनर लगाया था उसके ऊपर डैब डैब करना शुरू किया ताकि वो थोड़ा सा ब्लड की तरह कलर दिखना शुरू हो जाए. और वो हो भी गया, काफ़ी हद तक वो ब्लड जैसा दिखना शुरू हो गया था. और मेरी हेयर लाइन दिख रही थी तो वहाँ पे भी मैंने आई शेडो के थ्रू ही उसको फिल कर दिया. और अपने जहाँ पे भी मैंने आई लाइनर लगाया था और जहाँ पे भी मैंने सारी डिटेलिंग करी थी उसके ऊपर भी, एंड यू कैन सी ये थोड़ा थोड़ा इफेक्ट लगने लग गया था जैसा मुझे चाहिए था. एंड मुझे ना ये 10 दुकानें ढूंढने के बाद भी राइनस्टोन नहीं मिले, फिर एक स्टेशनरी की शॉप से सिर्फ एक ही पत्ता जैसा मिला, ज़्यादा नहीं मिले मुझे, ज़्यादा चाहिए थे और छोटे साइज़ में चाहिए थे बट मुझे मिले नहीं. बट इट्स ओके, मेरा बहुत मन था इस वाले लुक को करने का, सो आई हैव डिसाइडेड टू गो विद दीज राइनस्टोन्स ओनली. तो मैंने इनको अपने विद अ ग्लिटर ग्लू से लगाया, ये मेरे ग्लिटर्स के साथ मुझे मिली थी. मैंने अपने आधे फेस को राइनस्टोन से कवर किया था और उसमें जो थोड़े से पार्स एरिया थे उसमें मैंने ग्लिटर्स लगा लिए थे ताकि कुछ भी नज़र ना आए. ऑन कैमरा ही काफ़ी मुश्किल हो रहा था लगाने, इसलिए मैंने ऑफ कैमरा लगाया है, सो यू कैन सी. एंड ऑल्सो ट्रांजिशन वगैरह चेक करने के लिए आप इंस्टाग्राम चेक करना मत भूलना, हेयर इज़ द इंस्टाग्राम आईडी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है. सो हेयर इज़ द फाइनल लुक, आई एम एब्सोल्युटली लविंग 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 दिस लुक, एंड लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस लुक. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.